हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्फी में। यहाँ पे TGT, PGT, UGC नेट होम साइंस की क्लासेस चलती हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में बाल मृत्यु को कम करने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं। तो बच्चे भावी नागरिक होते हैं, देश में बाल मृत्यु की ऊँची दर को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार बाल मृत्यु को कम करने के लिए जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रही है। सरकार ने अनेक अस्पताल ऐसे खोले हैं जहां प्रसव की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वहां ऐसे अस्पताल खोले हैं जहां प्रसव की जितनी भी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जहाँ दाइयाँ प्रशिक्षित हैं, उनके पास आज अनेक प्रकार के यंत्र हैं, दवाइयों की भी कमी नहीं है। प्रसव काल में अस्पताल की ओर से माता तथा बच्चों के भोजन की व्यवस्था की जाती है। अस्पतालों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, फिर आपका आता है सरकार परिवार नियोजन में बहुत धन खर्च कर रही है। संतान निरोधक मुफ्त में बांटा जा रहा है, ऑपरेशन कराने वालों को नगद रुपया दिया जा रहा है और नौकरी संबंधी सुविधाओं का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। लालच दिया जा रहा है कि भाई तुम परिवार नियोजन अपनाओ तो हम तुम्हारी नौकरी भी लगवा देंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, यदि संतान कम होंगी तो बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से होगा और बाल मृत्यु दर की जो दर है वो भी कम होगी। ठीक है, फिर सरकार ने बाल मृत्यु को रोकने के लिए लड़के लड़कियों की मृत्यु की विवाह की आयु पर भी बंधन लगा दिया है। शादी की न्यूनतम आयु भी निश्चित कर दी गई है। शादी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे पहले कोई शादी करेगा तो सरकार उसे दंड देगी और परिपक्व अवस्था में विवाह होने पर स्वस्थ संतान उत्पन्न करने की अधिक संभावना होती है। फिर आता है आपका भारत में बाल मृत्यु कम करने के लिए अनुपाय। तो सरकार द्वारा किए जाने वाले वैधानिक प्रयासों के अतिरिक्त समाज एवं अन्य संस्थाओं द्वारा भी कुछ उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों पर बाल मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला आपका शिक्षा का प्रसार। बाल मृत्यु को रोकने के लिए स्त्री शिक्षा का प्रसार अति आवश्यक है। देश में अज्ञानता और रूढ़िवादिता कम करने के लिए शिक्षा का प्रसार होना अति आवश्यक है। शिक्षा का प्रसार होने से उनमें नए नए विचार आएंगे और जागृति उत्पन्न होगी। शिक्षित माताएं बच्चों का पालन पोषण रोग की अवस्था में सूझबूझ पूर्वक उपचार करवाती हैं। इस उपाय से बाल मृत्यु की दर घटती है। फिर आपका आता है यौन शिक्षा। हमारे देश में यौन शिक्षा का अभाव है। माता पिता और बच्चों से इससे संबंध में बातचीत करने में श्रम अनुभव करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे इस संबंध में बिल्कुल अज्ञानी रहते हैं और बच्चों में यौन संबंधी बातें जानने की स्वाभाविक उत्सुकता होती है। अतः वे इनको प्राप्त माता पिता से न सीख के अपने साथियों और पुस्तकें पढ़ के पूरी करते हैं और इससे बच्चे गंदी आदतों में पड़ जाते हैं और जिसका परिणाम गलत निकलता है। इसलिए बच्चों को प्रत्येक बात के लाभ हानि समझा दे जिससे बच्चों में अच्छी आदतें स्वयं आ जाए और समुचित यौन ज्ञान से युक्त पति पत्नी सूझबूझ पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तथा बच्चों के जन्म एवं उनके पालन पोषण के प्रति जागरूक रहते हैं। इससे बाल मृत्यु दर की में क्या होगी, कमी आएगी। फिर आता है जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। हमारे देश में अधिकतर लोगों का जीवन स्तर अर्थात रहन सहन का स्तर बहुत ही नीचा है। बहुत से लोगों को रहने के लिए वायु तथा प्रकाश युक्त मकान और खाने पीने के लिए उपयुक्त भोजन तथा वस्त्र प्राप्त नहीं होते हैं। इसका स्वास्थ्य पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि वस्तुएं उचित प्रकार से प्राप्त नहीं होती हैं तो स्वास्थ्य खराब रहेगा और बच्चे बीमार रहेंगे। इसलिए सरकार देश में महंगाई घटाने, वेतन को बढ़ाने और नगर और मोहल्ले की सफाई के लिए प्रयास करें। इन सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने पर जीवन स्तर उन्नत होगा, बाल मृत्यु की दर में गिरावट आएगी। फिर आपका आता है प्रसव स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना। सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा सभी क्षेत्रों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रसव गृह तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों की केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। इन केंद्रों में कम से कम इस विषय से संबंधित भाषण चलचित्र प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए। इन केंद्रों में अनुभवी तथा सहानुभूति रखने वाली नर्सों को रखना चाहिए। प्रसव संबंधी समुचित सुविधाएं उपलब्ध होने की स्थिति में बच्चों की ऐसी मृत्यु को रोका जा सकता है जो प्रसव संबंधी त्रुटि के कारण होती है। फिर आपका था बाल चिकित्सालय। प्रत्येक नगर में कम से कम ऐसा अस्पताल होना चाहिए जिसमें बाल रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। ये चिकित्सालय बच्चों को हर प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सहायता देने के लिए समर्थ होना चाहिए। यदि अलग से बाल चिकित्सालयों की स्थापना संभव ना हो तो जिला अस्पताल में ही अलग से शिशुओं की चिकित्सा के लिए विभाग होना चाहिए जिसका इंचार्ज बाल रोग विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है,
शिशुओं की चिकित्सा के लिए विभाग होना चाहिए और जिसका इंचार्ज कौन होना चाहिए? बाल रोग विशेषज्ञ। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इससे बाल मृत्यु की दर कम होने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। ठीक है, फिर आपका आता है परिवार नियोजन। आदिनी समाज सुधारकों के मतानुसार बाल मृत्यु दर को कम करने का एक अच्छा और प्रभावशाली उपाय है परिवार नियोजन। सुख संबंधी और शिशु के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि बच्चे कम पैदा किए जाए और इसका प्रचार आज हमारी सरकार द्वारा काफ़ी पैसा खर्च करके किया जाता है। फिर आपका आता है माता व शिशु का भोजन। बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए आवश्यक है कि गर्भावस्था में गर्भवाणी को पूर्ण उपयुक्त भोजन मिलना चाहिए जिसका प्रभाव माता और बच्चे दोनों पर पड़ता है। अन्य देशों में अंतिम तीन मासों में सरकार अपनी ओर से गर्भवाणी के लिए उपयुक्त भोजन की व्यवस्था करती है। यही कारण है कि वहाँ बाल मृत्यु दर भारत से भी बहुत कम है। इस ओर से हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर आता है शिशु कल्याणकारी योजनाएँ। शिशु देश की अमूल निधि है, इसकी असमय मृत्यु होना कल्याणकारी राज्य के लिए उचित नहीं है, इसलिए राष्ट्र सरकार को शिशु कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए। इन योजना में शिशु की स्वास्थ्य रक्षा पर अत्यधिक बल देना चाहिए। फिर आपका आता है संक्रामक रोगों की रोकथाम। बाल मृत्यु दर की को घटाने के लिए अति आवश्यक है कि संक्रामक रोगों की रोकथाम की जाए। सभी शिशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए आवश्यक टीके अनिवार्य रूप से लगवाए जाने चाहिए तथा इन रोगों के उपचार की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय जिससे बाल मृत्यु दर कम हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें।